महाराष्ट्र में नगर निगम चुनाव होने वाले हैं और इस चुनाव पर बीजेपी की नजर है। इन चुनावों के लिए बीजेपी राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के साथ गठबंधन कर सकती है। वहीं राज ठाकरे हिंदुत्व की राजनीति करने मैदान में उतर चुके हैं और उन्हें लाउडस्पीकर के खिलाफ औरंगाबाद में रैली की। राज ठाकरे का औरंगाबाद जाना बाल ठाकरे से जोड़कर देखा जा रहा है। 34 साल पहले बाल ठाकरे ने ही औरंगाबाद से ही हिंदुत्व की राजनीति शुरू की थी और उन्हें मुंबई से बाहर पहचान मिली थी। ऐसे में राज ठाकरे भी हिंदुत्व का कार्ड खेलना चाहते हैं। अगर राज ठाकरे मुंबई में रहकर हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो उसका सीधा नुकसान शिवसेना को पड़ेगा। ऐसे में निकाय चुनाव में राज ठाकरे शिवसेना का वोट काट सकते हैं। अगर हम महाराष्ट्र की राजनीति की बात करें तो उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे बालासाहेब का ही हिस्सा रहे हैं। ऐसे में दोनों का वोट भी एक जैसा ही है, लेकिन बीजेपी राज ठाकरे के साथ गठबंधन करती है तो शिवसेना को नुकसान हो सकता है। ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि राज ठाकरे के औरंगाबाद जाने के पीछे दो वजहें हैं। पहली, हिंदुत्व वोट को अपनी तरफ करना। दूसरा, शिवसेना का हिंदुत्व वोट नहीं काटना। अगर हम थोड़ा पीछे की तरफ जाएं तो शिवसेना के संपादक बाल ठाकरे ने 1989 में बीजेपी के साथ गठबंधन किया था। बीजेपी की तरफ से प्रमोद महाजन ने इस गठबंधन में अहम भूमिका निभाई थी, जिसके बाद बीजेपी और शिवसेना ने 1989 का लोकसभा और 1990 का महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव साथ मिलकर लड़ा था। 1990 का ही समय था जब शिवसेना ने एक बड़े हिंदुत्व एजेंडे को अपना लिया था। दरअसल शिवसेना की परिकल्पना जून 1966 में एक राष्ट्रवादी आंदोलन के रूप में की गई थी, लेकिन 1980 के दशक तक आते आते बाल ठाकरे की समझ में आ गया था कि मुंबई से बाहर विस्तार करने के लिए पार्टी को और गोलाबारी की जरूरत है। इसी वजह से शिवसेना ने हिंदुत्व को एक एजेंडे के तौर पर अपना लिया था। बीजेपी के बड़े नेता बताते हैं कि जब बाल ठाकरे और प्रमोद महाजन 1989 में चुनाव से पहले मिले तो प्रमोद महाजन ने कहा था कि अगला दशक किसानों का दशक है। इस पर बाल ठाकरे ने कहा था कि अगला दशक हिंदुत्व का दशक होगा। 1990 के पूरे दशक में जब हिंदुत्व पहली बार राजनीति का हिस्सा बना तो बाल ठाकरे अकेले हिंदुत्व आइकन थे, जब तक नरेंद्र मोदी उभर कर नहीं आए थे। 1990 का दशक वो समय था जब बाल ठाकरे ने पहली बार मस्जिदों में लाउडस्पीकर के इस्तेमाल पर सवाल किया था। राजनीति के जानकार शिवसेना और बीजेपी गठबंधन पर कहते हैं कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी नहीं थी, वो बीजेपी थी, लेकिन बीजेपी का महाराष्ट्र में कोई वजूद नहीं था, इसलिए वो शिवसेना की पीठ पर सवार हो गई और हिंदू हृदय सम्राट के तौर पर बाल ठाकरे की छवि को हवा दी, क्योंकि उससे बीजेपी को भी मजबूती होने में मदद मिली। ये प्रमोद महाजन की सियासत थी। अब यही सियासत एक बार फिर महाराष्ट्र की राजनीति में देखने को मिल रही है। बीजेपी एक बार फिर राज ठाकरे की पीठ पर सवार होकर चुनाव लड़ना चाहती है और चुनाव जीतना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, नेक्स्ट 9 न्यूज़ नेशन।